हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि एक बोर्ड एग्ज़ाम में एग्ज़ाम की कॉपीज़ किस तरह चेक होती हैं, किस तरह मार्किंग दिया जाता है, कौन से टीचर चेक करते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन लोगों के मार्क्स की उम्मीद बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि मैंने फुल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मार्क्स कम आ जाते हैं एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, और सोचते हैं कि मेरे मार्क्स क्यों कटे। सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी, तो देखते रहिए इस वीडियो को। यहाँ आप लोग हर तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं, स्टेट बोर्ड, CBSE, ICSE, हर बोर्ड के स्टूडेंट हो सकते हैं। तो मार्किंग स्कीम जो है वो सब कुछ एक टाइप की होती है। तो यहाँ जब एग्ज़ाम दे देते हैं, आप लोग का सब कुछ कॉपीज़ हो गया, तो उन सब कॉपीज़ को पहले बोर्ड में भेजा जाता है। बोर्ड से वहाँ से डिसाइड होता है कि कहाँ कौन से कॉपीज़ जाएंगे। बहुत सारे स्कूल में कहाँ कहाँ चले जाते हैं ये पता नहीं होता, किसी को मालूम नहीं होता सिवाय बोर्ड के। यहाँ जो बोर्ड के पास जो सब टीचर के पास एंसर शीट आती है, वो उन लोगों को भी मालूम नहीं होता कि ये कौन से स्कूल का है। वहाँ से कोड सब लिखे हुए होते हैं। तो यहाँ जो टीचर चेक करते हैं वो थोड़े एक्सपीरियंस टीचर होते हैं, और उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दी हुई हो रहती है कि किस तरह से किस तरह मार्किंग देनी है, कौन से पॉइंट्स में से किस तरह मार्क देना है, सब कुछ उन लोगों को मालूम होता है। और वो लोग एक्सपीरियंस होते हैं उन सब चेकिंग के लिए। और इन सब के लिए एक टीचर को रुपया भी दिया जाता है और एक टाइम लिमिट भी दिया जाता है। जैसे कि अभी एग्ज़ाम के बाद ज़्यादा दिन टाइम नहीं मिलता है, 2 महीना टाइम मिलता है, तो उनमें से 1 महीना ही टाइम दिया जाता है, 20 डेज़ या फिर 30 डेज़ इस तरह का टाइम दिया जाता है। और बाकी टाइम जो वो लोग रिजल्ट प्रिपेयर करने में टाइम लगाते हैं। तो यहाँ बात करें अगर, तो एक कॉपीज़ में कितने टाइम लगते हैं, एक कॉपीज़ चेक करने में हाईएस्ट 15 से 20 मिनट लगाते होंगे, हाईएस्ट 15 से 16 मिनट इन टाइम के अंदर उन लोग चेक कर लेते हैं। क्योंकि वो लोग बार बार रिपीट कर करके उन लोगों को तो पता ही होता है कि कौन सा आंसर किस तरह है। तो यहाँ जो मार्किंग स्कीम होती है आंसर में, एक आंसर में किस तरह मार्किंग स्कीम होती है, जैसे कि उन लोगों को पहले से एक इंस्ट्रक्शन दी हुई रहती है, जो रूल्स बताए हुए रहते हैं कि किस तरह क्या मार्क्स देने हैं, जहाँ गलती हो जहाँ सही हो। तो वहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो लोग दिए हुए रहते हैं कि इन सब पॉइंट्स के फुल मार्क्स मिलने चाहिए। और एक टीचर को एक सब्जेक्ट का सब कुछ तो मालूम ही होता है, आंसर देख के समझ में आ जाती है कि कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है। तो एक क्वेश्चन के आंसर में वो लोग 30 से 40 सेकेंड्स टाइम लगाते हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या है। जहाँ गलत देखते हैं वहाँ से एक अंडरलाइन कर देते हैं कि ये गलत है, इनके वजह से मार्क्स कटेगा। और जहाँ पे मेन पॉइंट देख लिए उसको भी सर्कल कर देते हैं कि ये मेन पॉइंट है, सो इसको उनके वजह से मार्क्स प्लस हो जाते हैं, और वहाँ पे +1 दे देते हैं, +2 दे देते हैं, उस हिसाब से उन लोगों का मार्क्स होते हैं। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो लोग सोचते हैं कि मैं अगर ज़्यादा लिखूँगा, ज़्यादा अच्छे से लिखूंगा और ज़्यादा बढ़ा करके आंसर लिखूंगा तो मेरे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो ऐसा नहीं है, वहाँ जो अगर बड़ा आंसर लिखते हैं आप, तो वहाँ टीचर को जो मेन मेन पॉइंट्स होता है एक आंसर का, मेन पॉइंट्स होता है, उन सबको ढूंढने में काफ़ी मुश्किल हो सकती है। और इसके वजह से वो लोग सोचते हैं कि यार ये सही नहीं है, और इसके वजह से वो लोग मार्क्स फुल नहीं देते हैं। अगर वहीं पर आप अगर सही आंसर लिख रहे हैं और एग्जैक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, जहाँ पॉइंट्स हो, अच्छे से पॉइंट्स दिया हुआ हो और अंडरलाइन किया हुआ हो, सब हेडिंग्स हो, इन सबको सब कुछ दिया हुआ रहता है, तो उनके वजह से मार्क्स दिए जाते हैं, फुल मार्क्स देने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और यहाँ बात आती है कि हैंडराइटिंग मैटर करती है, हैंडराइटिंग मैटर करती है। ऐसा नहीं कि फुल हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, ऐसा नहीं, बस पढ़ने लायक होनी चाहिए, जैसे पढ़ के समझ डायरेक्ट समझ में आ जाए, वर्ड पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना हो और हर एक सेंटेंस पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, एक बार में पढ़ के समझ में आ जाए कि क्या लिखा हुआ है। बहुत सारे ऐसे होंगे कि उल्टा पुल्टा लिखते हैं, ठीक हैंडराइटिंग ठीक नहीं है, और उसकी वजह से उन लोगों का मार्क्स कटे जाते हैं, क्योंकि टीचर को बहुत दिक्कत होती है वो सब चेक करने में, और उन लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार ये क्या लिखा है, और इसके वजह से वो लोग अंदाज में कुछ नंबर दे देते हैं। अगर हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है ना, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स, अगर आंसर सही भी लिखे हैं, मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। अब यहाँ बात आती है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मैंने जो स्किप किया क्वेश्चंस को, वो सब क्वेश्चन मैंने उसके बदले दूसरा लिख दिया, जहाँ पे फिर गैप दे दिया, सेक्शन है सेक्शन बी, सेक्शन सी का लिख दिया, सेक्शन ए को छोड़ के, तो ऐसा है। तो वहाँ पे वो लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं, तो ज़्यादा टीचर सोचते हैं कि अगर लाइन बाय लाइन हो तो ज़्यादा अच्छा हो, अगर नहीं भी हो तो कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन उन लोग को एक क्वेश्चन का जो क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन नंबर में, बस अच्छे से देना है, क्वेश्चन नंबर देख के वो लोग निकाल लेते हैं ये आंसर है, तो उस आंसर का वो लोग सब कुछ मालूम होता है, आंसर देख के समझ में आती है। और वहाँ हेडिंग्स से हेडिंग्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है, अगर वो लोग उन सबको नहीं देते हैं ना, तो आंसर समझने में ज़्यादा दिक्कत होती है टीचर को, और टीचर को अगर ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करेंगे तो उन लोगों का ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चन को बार बार चेक करके ना उन लोग का दिमाग गर्म हो जाता है, और सोचते हैं कि यार कब ख़त्म होगा। अब यहाँ बात आती है कि किस तरह का मार्क्स दिए जाते हैं, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट का मार्क्स दिए जाते हैं। अगर अच्छे से आप पॉइंट लिखे हैं, पॉइंट वाइज दिए हैं, न्यूमेरिकल्स हो न्यूमेरिकल्स में, अगर हर एक स्टेप बाय स्टेप किए हैं, जहाँ पे आंसर अगर सही नहीं भी हो, स्टेप बाय स्टेप आप गए हैं और बाकी आंसर आपको सही मालूम नहीं है, तो जितना भी स्टेप किए हैं ना, अगर सही किए हैं तो उनके भी मार्क्स दिए जाते हैं। और न्यूमेरिकल में कभी कभी मार्क्स कटते हैं, तो क्यों कटते हैं, क्योंकि यूनिट है, साइन है, KG, RUPS, जो भी देना होता है, तो
वो सब अगर नहीं देते हैं, गलत देते हैं, तो उसके वजह से भी माइनस हो जाता है कुछ मार्क्स, उसके वजह से कट जाते हैं आंसर। अगर सही भी हो लेकिन वहाँ पे यूनिट इन सब अगर नहीं दिए हैं तो उनके वजह से मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं, कट जाते हैं। कभी भी अगर क्वेश्चन पेपर को क्वेश्चन को सॉल्व करने जाए तो क्वेश्चन का मीनिंग समझना चाहिए कि वहाँ पे क्या पूछा गया है। अगर थ्योरेटिकल की बात करें तो हेडिंग्स में कभी कभी ज़्यादा लिखने के चक्कर में इन सब की वजह से मार्क्स कट जाते हैं। अगर हेडिंग नहीं दिए हैं या फिर अच्छे से नहीं लिखे हैं, हैंड राइटिंग सही नहीं है, समझ नहीं आई है और लॉन्ग आंसर लिखे हैं, तो इसके वजह से मार्क्स कटे जा सकते हैं। तो इसलिए जितना भी लिखे एग्जैक्ट लिखे और समझ आनी चाहिए। और अगर आप लोग ये सोचते हैं कि एक आंसर का एक क्वेश्चन का आंसर मैं दूसरा दे दूंगा, तो ऐसा नहीं है। अगर दूसरा आंसर दे देते हैं क्वेश्चन का, तो उन लोगों को समझ में आती है कि कौन सा आंसर कैसा है। टीचर ऐसा नहीं है कि बेवकूफ़ है, टीचर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो लोग, और उन लोगों को पता है। नॉर्मल टीचर है, स्कूल टीचर है, क्योंकि वो उस सब्जेक्ट का तो टीचर है ना, वो तो पढ़ाते हैं, तो उसका आंसर तो उन लोगों को मालूम होगा। आंसर देख के समझ में आएगी आंसर सही है कि गलत है। तो ऐसा कभी मत कीजिएगा कि कोई दूसरा आंसर लिख दिए या फिर ज़्यादा लिख दिए बढ़ा चढ़ा के, बीच बीच में कभी गलत लिख दिए, तो ऐसा नहीं है। बीच बीच में अगर उल्टा पुल्टा भी लिखते हैं ना, तो वो लाइन बाय लाइन देखते हैं लेकिन स्पीड में देखते हैं, और पढ़ के तो समझ में आती है ना। तो अगर गलत लिखेंगे तो वहाँ मार्क्स काटे जाएंगे। तो इसलिए कभी ऐसी वैसी गलती मत कीजिएगा, और यही स्कीम है। तो हो सकता है इसमें से अगर कुछ मिस हुई हो, कुछ समझ नहीं आए हो, तो मुझे बोलिएगा कमेंट में, मैं आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, उसके बगल में बेल आइकन को डेफिनेटली दबा दीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।